हाय फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं मालिक के साथ एंड ब्लेसिंग लेते हैं। मालिक सबकी रक्षा करें, सब खुश, सब लोग खुश रहें, सबके बच्चे ठीक रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ स्नो डे टुडे, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, हम लोग चलते चलते बात कर लेते हैं ना। हम लोग सुबह उठे सोकर और हमने प्लान किया कि आज छुट्टियाँ हैं दक्ष की आज से, तो फिर हम जाते हैं US। पहले वॉक करेंगे फिर जाएंगे US। मौसम देख लो क्या हो रहा है। आपको मौसम दिखाता हूँ कितना प्यारा है। आप देख सकते हैं स्नो गिरते हुए, कितना प्यारा फील है। फ्लफी फ्लफी गिर रही है स्नो, कॉटन बॉल्स के जैसे, तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। कल गर्मी थी और स्नो हो रही है। This is the beauty of Canada. आज 10 डिग्री है, कल माइनस 10 होगा। हेलो, तो हम लोग निकल पड़े हैं अब US जाने के लिए और आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है वहाँ का और बॉर्डर कनाडा US का बॉर्डर कैसा है। और क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं करने जा रहे एक्चुअली, टाइम हम जस्ट फॉर चेंज, जस्ट फॉर फन जा रहे हैं कि दक्ष की छुट्टियाँ कुछ तो करें, है ना। और सुबह प्रोग्राम बना हमारा, है ना। और हम लोग वहाँ रुकने वाले नहीं है, रात को हम लोग वापस आ जाएंगे रात तक, क्योंकि हमारी टीम घर पर है। हाँ, सी यू लेटर। क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बन गया US का, तो हमने करेंसी तो पहले करा के रखी नहीं हुई थी चेंज, तो राजीव जा रहे हैं ATM से US डॉलर निकालने के लिए। एंड दिस इज CIBC बैंक। Rajiv used to work here. There he is coming back. Banda hamara paise leke aa raha hai. Hello. I was making your videos. 460 hi hai. Friends, ye hai American. Pata nahi kyun ki currency unchi Canada aur US ki bade mehenge ho gaye hain US dollar. Jaa shopping karni nahi hai, but still safer side. रख लेते हैं, दो रखो। रास्ते में ही है, एक घंटे का रास्ता बचा है ना। और 140 किलोमीटर हमारे घर से, हमारे घर से 140 किलोमीटर है। बफलो जा रहे हैं, बफलो प्राइम मार्क जा रहे हैं। और हमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था सुबह उठकर, हम वॉक पे गए, प्लान कर लिया आने के लिए। फिर हम लोग अब ब्रेकफास्ट में बना के ले आई थी, मैंने बनाई है चाय और सैंडविच। फ्रेंड्स, रास्ते में खाने का ना मजा ही कुछ और है। और इस गाड़ी का फायदा ये है कि ऑटो पायलट पे डाल दो, मेलोडी के लिए पकड़ना पड़ता है स्टीयरिंग आपका, बाकी सब खुद मैनेज होता है। मैं आपको दिखाती हूँ सैंडविच खोल के। यह सैंडविच मेरे पास आया भी, वो वाला लास्ट वाला पीस होता है जो दिखाना इनको फ्रेंड्स को। हाँ फ्रेंड्स, ये टेस्ला है, ऑटो पायलट देख रहे हैं, लेन इसके लेन के अंदर ही चलेगी गाड़ी, वो मैनेज करती है अपने आप स्पीड कुछ आगे, है ना, डिस्टेंस 3 कार्स का डिस्टेंस रखती है, बस मैनेटी के लिए स्टीयरिंग को टच करना पड़ता है, एवरीथिंग इज ऑटो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेस्ला। अब यहां पे 12 बजे हैं, हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे ना। सैंडविच दिखाओ अपना, बहुत टेस्टी फ्रेंड्स, खीरा पनीर, भूख लगी आपको बताऊं। हां, खीरा पनीर और टमाटर और साथ में हमारे पास चाय।
अभी हम आप पहुंचे हैं नायग्रा, है ना, नायग्रा आउटलेट, आप देखो ये रहा। This is also one of our favorite shopping places. या अगर वापस आते टाइम टाइम मिलेगा तो यहाँ रुकेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। और आप बर्फ देख लो, आज कैसे अनएक्सपेक्टेड बर्फ गिरी हुई है, यहाँ पर भी स्नोफॉल हुई है, पूरी रोड एकदम वेट है। तो अब हम यूएस कनाडा बॉर्डर पहुँचने वाले हैं और आप फॉग देखो यहाँ, हाँ 2 किलोमीटर बचे हैं बॉर्डर आने में और यहाँ पे फॉग देखो कितनी ज़्यादा है, स्नोफॉल हो रही है और फॉग ही है यहाँ बहुत, है ना। ट्रैफिक नहीं मिला ना, अदरवाइज रूट पे ट्रैफिक बहुत है। आज सड़क के देखो कोई गाड़ी नहीं दिख रही आसपास। लास्ट टाइम भी हम आए थे जब, तो हम आए थे क्रिसमस ईव वाले दिन, याद है 24th को, तभी भी हमको ट्रैफिक नहीं मिला था। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ बॉर्डर पर। ये वापस आने का कनाडा यूएसए से ना, ये बॉर्डर पासपोर्ट कक्ष निकाल दोगे। ना मैं बोल रही थी ना कि ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक नहीं मिला नहीं, अभी अभी कुछ ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी यहाँ पर कितनी लंबी लंबी लाइंस हैं, देखो आप इस तरफ की कार्स बस। हाय फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं नेक्सस ओनली लिखा है, ये बेसिकली ये डिजिटल कार्ड है, इशू होता है कैनेडियंस एंड अमेरिकन्स के लिए, सो आपको फिर पासपोर्ट कैरी नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ ये कार्ड लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं, इवन एयरपोर्ट से भी एंड इवन बाय रोड। तो उसमें क्या है कि इजी हो जाता है आपको ना, वो डिजिटल कार्ड होता है, सो नो पासपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस, मतलब अमेरिकन्स कनाडा आते हैं जब यूज़ कर सकते हैं, जब कैनेडियन अमेरिका जाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखो अमेरिकन फ्लैग लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग यूएस एंटर कर चुके हैं, ये बफलो है। बेसिकली हम लोग आए हैं प्राइम मार्क जाने के लिए, लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आई थी तो हम गए थे प्राइम मार्क। प्राइम मार्क का बड़ा क्रेज़ है कैनेडियंस को कि भाई यहाँ पे खुला है भी नया नया, कनाडा में नहीं है ना। तो बेसिकली आयरिश एक स्टोर है ये प्राइम मार्क, डबलिन आयरलैंड का स्टोर है। जैसे हमारा कनाडा में वॉलमार्ट है ना, वॉलमार्ट तो यूएस में भी है बहुत काफ़ी जगहों पे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक ऐसा एक काइंड ऑफ फैशन स्टोर है, कपड़े वगैरह मिलते हैं। और मैं लास्ट टाइम आई थी मुझे काफ़ी पसंद आया था, रीजनेबल प्राइस एंड गुड क्वालिटी, वेरी नाइस प्राइस एंड गुड क्वालिटी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ जाकर, और फिर उसके बाद फ्रेंड चलेंगे हम आउटलेट। हाँ उसके बाद जाएंगे हम बफलो आउटलेट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे काम करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे कहाँ है क्या है। बेसिकली हमने ऐसी प्रोग्राम बना लिया जस्ट ब्रेक के लिए ना, जस्ट फॉर द ब्रेक, दक्ष बहुत बोर हो रहा था ना। हाँ दक्ष की छुट्टियाँ भी थी तो हम लोग चलो यूएस ही आते हैं और कहीं नहीं, तो इलेक्ट्रिक कार है, खर्चा है नहीं है ना फ्रेंड्स। हाँ ये फायदा है और चल दिया। हाय फ्रेंड्स, तो हम बफलो में आ गए हैं स्वाति के फेवरेट स्टोर प्राइम मार्क। Swati, any comment on your Primark? That's a good one. That's a really good one. कितनी खुशियाँ देखो आप, घर में दिखेगी इतनी खुशी। मतलब Primark की खुशियाँ लगी है ना। चलो फ्रेंड्स अंदर चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या बाय करती है। फ्रेंड्स तो कर गए हैं एंटर Primark के अंदर, Swati बड़ी खुश है। स्वाति बहुत खुश है एंटर करते ही, जैसे बच्चे होते हैं ना किसी प्ले एरिया में ले जाओ कितने खुश हो जाते जाते ही, वैसे बहुत खुश है। वो समर के क्लोथ्स आ गए यहाँ पे यार, टी शर्ट वीशर्ट देखो। तो ये पसंद आया स्वेटर और एक ये। प्राइस बताओ ना इसका। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है।
यहाँ पर ये $19 है ना, तो ये कनाडा में कम से कम $40-$45 का मिलता है। और ये वाला है आई थिंक दिस इज आल्सो $19। क्या मिलता है $19 का, मतलब $25 बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियन। और ये सॉक्स देखिए आप, प्राइस इतने सुंदर हैं, $5 के 5 pairs। स्टोर में काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है, इनका क्लियरेंस सेक्शन है। प्राइस देखो 50% ऑफ पे, $20 का था अब 10 का। और यहाँ पर ये सेक्शन है मैन टी शर्ट्स का, मार्वल्स की और डिज्नी की, यहाँ पे बहुत सारे कमाल का कलेक्शन है। लेकिन मेरे को ये पसंद आई, दिखाना क्या? आई लाइक दिस वन, खोल के दिखाओगी? मेरे को ये बड़ी पसंद आई, दिस वन। इनके पास बैटमैन है, हॉट व्हील्स। अब प्राइस देखो फ्रेंड्स, इंडियन कैनेडियन में आप कह लो कि $10। और यहाँ देखो 50% ऑफ है पूरे स्टोर पे ना, पूरे स्टोर पे नहीं, किसी किसी जिस पे नहीं भी है। देखिए देखो, नाइस, ये बच्चों की है, ये किड सेक्शन है। हाँ, किड सेक्शन। लेकिन प्राइस देखो आप, ये देखो एक, ये राजीव को पसंद आई है, इसके पीछे बहुत सुंदर है, एंड दिस इज फॉर $12। और दक्ष को, ये दक्ष को पसंद आई है, दिस इज आल्सो फॉर $12। इस पे कोई सेल नहीं है। And एक और है जो मुझको पसंद आई है, जो राजीव को पसंद आई है, ब्लैक, दिस इज फॉर $12 एज वेल। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसकी प्रिंटिंग है ना बड़ी अच्छी है, मतलब वेरी गुड क्वालिटी विद द प्राइस वाइज, अच्छा कलेक्शन है टी शर्ट्स का विद अ गुड प्राइस। राजीव को ये नाइट सूट पसंद आया, वेलवेट का, बड़ी अच्छी क्वालिटी है फ्रेंड्स इसकी, बहुत ही अच्छी है। प्राइस देख लो आप जरा एक बार, प्राइस देखो $7 का, और पजामे का प्राइस देखो आप, मतलब दोनों अलग अलग प्राइस है दोनों के, अनबिलीवेबल। $3 एंड आई वांट टू शो यू समथिंग, सी दिस, अब ये शूज है, इसका प्राइस देख लो आप एक बार, इसके ऊपर नहीं लिखा, दूसरे वाले पे लिखा ये रहा, आप प्राइस देखो इसका $2, क्या आता है आज के टाइम में $2 का, माय गॉड, कांट बिलीव इट। फ्रेंड्स देखो जरा, स्वाति ने शॉपिंग करी है, एक दो चीज़ें मेरी भी हैं, एक दक्ष की भी है, आप देख सकते हो कैसे भर लिया इसने बास्केट। अभी भी इसका मन नहीं लग रहा कि यहाँ से बाहर जाऊँ, कुछ मिल जाए, पता नहीं कहाँ चलेगी, कहाँ है मम्मा। फ्रेंड्स तो हम यहाँ पे कर रहे हैं चेकआउट, फिर मिलते हैं बाहर, घर जाकर दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया और प्राइस क्या क्या है ढंग से ना। हाँ, और यहाँ का बिल दिखाएंगे, कितना बिल आया, कितनी हाँ। शॉपिंग करी हमने, दिखाता हूँ आपको कितना बिल आया। ओके फॉर दिस टाइम, बाय बाय प्राइमार्क, आई लव यू। दिल भर के, अच्छा लगता है, दिल भर की शॉपिंग करी, मैं पूरा दिन स्पेंड कर सकती हूँ, दिल भर की शॉपिंग करी है, खुश है। नहीं मैं क्या खरीदा है, कुछ भी नहीं। और फ्रेंड्स हमारा बिल आया है कितना, $189। लेकिन सामान बहुत सारा लिया ना, छोटा 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 छोटा, आपको दिखाएंगे थॉरली की क्या। अब फ्रेंड्स हम चल रहे हैं आउटलेट, देखते हैं वहाँ कुछ अगर काम का मिल जाए। बेसिकली मैं ना एक परफ्यूम लेना है मेरे को दक्ष के लिए, जो कनाडा में मिल नहीं रहा कहीं भी, आपको दिख रहा होगा आगे दक्ष जा रहा, दक्ष जा रहा आगे। अब हम यहाँ पर रुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे दक्ष के लिए खाना लेने के लिए, ड्राइव थ्रू पे हैं, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर मील। और आप डिफरेंस देखो, ये है अमेरिकन मैकडॉनल्ड का कोक का कप,
जहाँ पे हमारा पेपर कप होता है, इनका प्लास्टिक है। और हम खा रहे हैं अपने फ्रूट्स, एप्पल, पेयर और खीरा, काला नमक और चाट मसाला डाल के। देसी मसाले हमारे हमेशा वो रहते हैं, चाट मसाला ये वो, चाहे कनाडा चले जाओ चाहे यूएस चले जाओ। हाय फ्रेंड्स, ये बफलो में है फैशन आउटलेट ऑफ नायग्रा फॉल्स यूएसए। देखते हैं कुछ अच्छी डील हुई यहाँ पे तो विल सी। घर भी जाना जल्दी। हम यहाँ पर आउटलेट आए हैं बफलो में, तो यहाँ पे भी कुछ अच्छी लगी चीज़, एग्जॉटिक स्नैक फैक्ट्री। यहाँ बहुत डिफरेंट तरीके के स्नैक्स हैं अंदर, आप देखो लेज अंडर हर तरह के डिफरेंट स्नैक्स हैं यहाँ पे। पैकिंग भी डिफरेंट है, जो बिल्कुल अलग, जो जैसे रेगुलर मार्केट में नहीं मिलते ना चीज़ लाते। आप देखो ये स्टारबक्स की पैकिंग और फ्लेवर। अब हम लोग आए नाइकी के आउटलेट दक्ष को यहाँ पे देखना था कि कैसा है यहाँ पे आउटलेट, देखते हैं अगर कुछ उसको पसंद आता है। सेल लगी हुई है ऐसे हर जगह यहाँ पे ना। यहाँ का फूड कोर्ट है और हमारे लिए काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो, लेकिन यहाँ पे एक इंडियन व्यू देखिए आप। कहाँ जा रही गुड़िया? अमेरिका, ड्यूटी फ्री। हमने आउटलेट से कुछ नहीं लिया, हमें कुछ पसंद नहीं आया, हमें कनाडा वाला आउटलेट ज़्यादा पसंद आता है। अब जाते आते कनाडा में एंटर करते हैं, हम लोग ड्यूटी फ्री भी होते जाते हैं। चलो, ये जैक डेनियल भाई बैठे हैं हमारे, देखो आप, अगर आपको दिख रहा है तो आ रहे हैं भाई। फ्रेंड्स, मेरे को ना यहाँ पे ये साइज़ बड़ा अच्छा लगा इसका ना, ये जैक डेनियल का 3 लीटर्स का। प्राइस देखो आप, जस्ट $58। मेरा मन कर रहा है बाय करने का। और ये एब्सोल्यूट है 4.5 लीटर्स, $82। लेट मी थिंक, लेकिन मन है बाय करने का। वापस जा रहे हैं कनाडा। ड्यूटी फ्री से हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि राजीव को लिकर लेनी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पर 48 आवर्स से कम स्टे करते हैं यूएस में, तो हम वापस जाते टाइम लिकर नहीं ले सकते, कैरी नहीं कर सकते। तो हमने सोचा, गुड टू नो। हाँ, गुड टू नो दैट। लेकिन अच्छा हुआ ना, हमें पता लग गया। हाँ, कहता आपने रिस्क ले जाओ आप, बट सम जो गलत है वो गलत ही है। हाँ, तो फिर उसको ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर। फायदा नहीं, फिर सब कुछ टेंशन लेने का बात करना। अब हम वापस से एंटर हो रहे हैं अपने कनाडा में। और शाम के कितने बज गए हैं? पासपोर्ट दे दो। कितने बजे शाम के? 5:38 हो रहा है, तो हमने 5 घंटे रुके ना मुश्किल से वहाँ पर। और ये हमारा ओंटेरियो हमारा वेलकम करता हुआ, टोल पे कर दिया हमने। यहाँ से वापस एंटर करने के लिए, अमेरिका से कनाडा एंटर करने के लिए हमें टोल पे करना होता है। आई थिंक वो डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट टाइम $10 पे किया था, इस बार $6 पे किया है। तो मुझे लगता है आई थिंक वो घंटों के हिसाब से जितना हम स्टे करते होंगे, या वीकेंड पे कुछ होता होगा, आई डोंट नो, कुछ तो है, क्योंकि हमेशा अलग अलग पे करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही अमाउंट होता है। लेट्स गो होम, ट्यूलिप वेट कर रही होगी, थक गए हुआ था ना। हम लोग वापस घर आ गए हैं और ये ट्यूलिप का लाड देख लो, कैसे लाड करती है यार, जब कहीं जाओ ना वापस आओ ऐसे करती है। राजीव को छोड़ती ही नहीं है, देखो कैसे पकड़ा हुआ है हाथ से। इसकी फेवरेट है ये बॉटल। हाँ, यहाँ पे सारा मैस, कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ रही नहीं मेरे को, चाहिए बॉटल लेकिन नीचे नहीं आ रही थी। हाँ, ये ले पे, ये देखो। कैसा लग रहा यूएस से वापस आके?
घर अच्छा लग रहा है। तुम तो लग रहा हो होश उड़े हो तुम्हारी थकावट से, बाल देखो अपने। नहीं घर अच्छा लग रहा है यार। अरे घर यार स्वर्ग कहीं नहीं है, जहाँ मर चले जाओ दुनिया में। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे हम हॉल, शॉपिंग हॉल नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अभी मैं आई हूँ और मैं बना रही हूँ खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। आपको बाइट कर रहे हो? अच्छा सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। तड़का लग रहा है यहाँ पर प्याज, जैसे बड़े बड़े काटे, क्योंकि राजीव को ऐसे पसंद है मोटे मोटे प्याज खिचड़ी में। गार्लिक और प्याज का तड़का, और यहाँ बन रही है खिचड़ी। इसके अंदर मैंने डाली है सारी सब्जियाँ, जुकीनी, टमाटर। अभी बन जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे खिचड़ी बन के रेडी हो गई है, सूपी सूपी। साथ में योगर्ट सुबह जमा गई थी ना वो है, और गाजर का अचार। मिलते हैं आपको डिनर टेबल पे। हाय फ्रेंड्स, ये स्वाति ने दही घर पे जमाया है। चलो डिनर करते हैं। आज सुबह मांग गई थी दही में, खाया तो वापस। क्या बात, जमा हुआ दही। तो अब हम आ गए घर पे और अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, खिचड़ी, दही और गाजर का अचार साथ में। ये भी लाजवाब है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। हाँ, हम प्रेफर करते हैं खाना घर पे खाएं, क्योंकि बाहर एक तो हम वेजिटेरियन है तो हमें कुछ मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी तो इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है, हर वक्त वो अवेलेबल नहीं होते, है ना। हमने कुछ खाया नहीं ना बाहर। नहीं, हम सैंडविचेस लेके गए थे घर से, चाय लेके गए थे, वो हमने खाए, दक्ष ने खाया मैकडॉनल्ड्स बस। और अब घर आके हम खाना खा रहे हैं। इट वॉज अ नाइस डे, टायरिंग। सुबह निकले, अचानक से सरप्राइज वो था, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्लान जो हमने शॉपिंग करी, मेन तुम्हारे प्राइमार्क से करी है। और हम करेंगे शॉपिंग हॉल नेक्स्ट वाला, है ना। तो यहीं खत्म करते हैं तो आज का ये वीडियो, वन डे यूएस ट्रिप के साथ यहीं पे हम खत्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि हमें इस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं हमको। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।